गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 3 मैथ्स चैप्टर 1, वेयर टू लुक फ्रॉम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिरर हैव्स। इट इज़ अ कन्वर्जेशन ऑफ अमीना एंड पेंटर। एक पेंटर है और अमीना गर्ल है, वो उसकी खुद की पेंटिंग करवाना चाहती है पेंटर से। अब क्या करेगी वो कि पेंटर को बुलाती है और पूछती है कि मुझे पेंटिंग बना के दो। तब पेंटर बोलता है 200 रुपीज में मैं बना के दे दूंगा। आफ्टर दैट क्या हुआ कि पेंटर ने अमीना को उसकी पेंटिंग दी। अमीना हाउ डू यू लाइक इट, अमीना को पूछता है कि कैसी है ये पेंटिंग। सो अमीना क्या रिप्लाई करती है, बट दिस इज ओनली हाफ, ये तो आधी पिक्चर है। द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। पेंटर क्या बोलता है, ये हाफ पिक्चर है ना, उसके जैसी एग्जैक्टली सेम पिक्चर बन जाएगी जब आप उसको मिरर के उधर रखोगे। सो अमीना क्या करती है, नाउ कैन आई हैव माई मनी। अमीना ने वो पिक्चर को मिरर के उधर रखा तो फुल पिक्चर बन गई। उसके बाद पेंटर ने उसको पैसे मांगे। अमीना गेव हिम अ 100 रुपी नोट। उसने क्या किया, 100 रुपीज की नोट दी। स्टार्टिंग में क्या बोला था पेंटर ने, कितने में बोली थी पेंटिंग बनाने के लिए, 200 में, और अमीना ने कितने दिए, 100 रुपीज। सो पेंटर क्या बोलता है, बट दिस इज ओनली हाफ द मनी, कि ये तो मुझे आपने हाफ पैसे दिए। तो अमीना का आंसर क्या था, देखो, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी। सो क्या हुआ उसका मतलब, कि अमीना ने क्या बोला कि मैंने 100 रुपीज दिए ना, उसको मिरर के सामने रख लो, तो 100 और 100 कितने हो जाएंगे, 200। तो पेंटर को उसने उसके जैसा ही आंसर किया। सो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, कि मिरर हैव्स कैसे होता है। अब देखो पेज नंबर 8 क्या दिया हुआ है आपको, बटरफ्लाई और ये सब आधी आधी पिक्चर्स दिए, स्टार है, फिश है, उसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, देन पेज नंबर 9 आपका होमवर्क है, क्या है, मिरर हैव्स, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, डज द डॉटेड लाइन डिवाइडेड ईच पिक्चर इनटू टू सिमिलर मिरर हैव्स। आपको क्या बताना है, यस और नो, इफ वो जो डॉटेड लाइन है ना उसको कट करके आपके दो पार्ट सेम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इफ सेम है, इक्वल है, तो क्या लिखोगे आप, वाई ई एस, यस। देन इफ सेम नहीं है तो क्या लिखोगे, एन ओ नो। ये होमवर्क है आपका। और नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10 देखो, उसमें क्या लिखा है, यूजिंग अ डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइडेड द फॉलोइंग पिक्चर्स इनटू टू सिमिलर हैव्स। आपको डॉट्स यूज करके लाइंस बनानी है, क्या करोगे आप, हाफ बनाओगे। जो पेज नंबर 9 पे आपने किया ना यस नो वाला, उसमें से ही वैसा ही, आपको यहाँ पे आपको लाइंस खुद को बनानी है, और जिसका हाफ बन सकता है उसमें आप डॉट 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 करके लाइंस बनाओगे मिडल में। ओके, अब इसमें क्या है, कुछ कुछ में आप हाफ नहीं कर सकते हो, जैसे कि सेकेंड रो में, सेकेंड में किटली बनी हुई है, ठीक है, घर पे होती है ना चाय की किटली, वो अब उसमें हाफ करोगे तो हाफ साइड हैंडल जा रहा है और हाफ साइड उसका चाय की उस साइड का, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो क्या करोगे आप, उसको नो लिख दोगे, वहां पे आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 11, कैन यू गेस दिस लेटर्स फ्रॉम देयर हैव्स। अब क्या है, आपको हाफ पिक्चर दी है लेटर्स की, लेटर्स मीन्स ए बी सी डी ए टू जेड। ओके, अब उसमें हाफ पिक्चर क्या करोगे आप, मिरर्स के उधर रखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है ये। इफ फर्स्ट वाला देखो आपको क्या दिख रहा है, वो है ए, देन सी, एच, यू, बी, एक्स, ठीक है, वैसे ही आपको इसमें कंप्लीट कर देना है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, यूजिंग सच लेटर्स वी कैन ऑल्सो मेक वर्ड्स विच हैव सिमिलर हैव्स, गेस द वर्ड्स बाय लुकिंग एट देयर हैव्स। आप उसको क्या करोगे, मिरर के उधर रखोगे और उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है बच्चों। फर्स्ट क्या है, एच
ओ डब्ल्यू इट मीन्स हाउ, फिर डब्ल्यू ए एक्स क्या होगा वैक्स, वैसे ही सी डबल ओ के ई डी क्या हो जाएगा कुक्ड, देन डी आई सी ई डाइज, ठीक है ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। सो अभी नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी, उसको आपको कंप्लीट करना है एज अ रिवीजन या फिर वर्कशीट चैप्टर 1, ठीक है, थैंक यू।